Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So guys, this is Jaspreet, and in this video, I am going to discuss about the important vocabulary words that is very important for the writing task too. So guys, first of all, you should know that vocabulary is one of the parameters of the IELTS. So your twenty-five percent of the bands depend upon your vocabulary skills. So

ठीक है इस वे के साथ आप कॉन्टेम्प्रेरी एरा जैसे हमने लिखना था ना इन दिस मॉडर्न एरा सो इन स्टेड ऑफ राइटिंग दैट यू कैन राइट इन दिस कॉन्टेम्प्रेरी एरा पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे ओके लेट्स मूव टू द सेकंड वर्ड कॉमेंस लाइक हम बोलते हैं ना टू बिगिन विद टू स्टार्ट विद सो इन स्टेड ऑफ राइटिंग बिगिन और स्टार्ट यू कैन स्टार्ट लाइक टू कॉमेंस विद द मेन प्रॉब्लम ऑफ दिस फिनोमिनन ठीक है ऐसे आप सेंटेंस यूज कर सकते हो कॉमेंट्स के साथ ओके सो आर थर्ड वर्ड इज प्री डोमिनेंट सो वट डू यू मीन बाई प्री डोमिनेंट लाइक मेन जो भी बहुत ज़्यादा मेन चीज हो इम्पॉर्टेंट हो प्री डोमिनेंट हमें हम उसको लिखते हैं ठीक है सो आप सेंटेंस ऐसे बना सकते हो द प्री डोमिनेंट रीज़न बिहाइंड पल्यूशन इज यूजेज ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स की जो प्री डोमिनेंट रीजन है लाइक मेन रीजन है पल्यूशन के आ, लिए वो क्या है कि जो प्राइवेट व्हीकल्स का यूज हो रहा है ठीक है सो so, इस वे के साथ आप जब हम टास्क टू में भी लिखते हैं द मेन रीजन बिहाइंड दिस लिखते हैं ना सो so, उसको आप क्या लिख सकते हो द प्री डोमिनेंट रीजन बिहाइंड दिस दिस किसी, किसी प्रॉब्लम के साथ टैकल करना उसे सॉल्व करना क्लियर सो लेट्स बिगिन विद दिस सेंटेंस हाउ टू यूज दिस वर्ड बाय रिड्यूजिंग द प्राइवेट ट्रांसपोर्ट अगर हम प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को रिड्यूस करते हैं पल्यूशन कैन टैकल विद लाइक पीपल कैन टैकल विद पल्यूशन जो लोग हैं वो पल्यूशन के साथ टैकल कर सकते हैं ठीक है अगर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट्स को रिड्यूस किया जाए हमने यहाँ पर लिखना था पीपल कैन सॉल्व द प्रॉब्लम सॉल्व द पोल्यूशन प्रॉब्लम राइट सो हमने इंस्टेड ऑफ राइडिंग दैट पर्टिकुलर लाइन हमने क्या लिखा पीपल कैन टैकल विद दिस पल्यूशन प्रॉब्लम ओके सो टूडेज फिफ्थ वर्ड इज एपीटॉम सो एज यू ऑल नो दैट फॉर इंस्टेंस फॉर एग्जाम्पल हम टास्क टू में बहुत लिखते हैं राइट सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग एग्जाम्पल वर्ड इन योर टास्क टू यू कैन राइट एपीटॉम आप कैसे लिखोगे टू एपिटॉम लाइक जब हमने लिखना है फॉर एग्जाम्पल तो आप उसको कैसे लिखोगे टू एपीटॉम आर सिक्स वर्ड इज अफोर मैं वट डू यू मीन बाई अ फोर मैं द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज मैंशन अबव इन पैराग्राफ अगर हमने लिखना है कि कोई लाइक like हमें कोई टास्क टू आ गया पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे वट आर दी कॉजेस और सोल्यूशन राइट सो आप कैसे लिखोगे दी अफोर मैं बी केज ऑफ दिस एंड दिस क्लियर कि जो भी ऊपर लिखा गया है मैंशन अबव इन दैराग्राफ वो क्यों हुआ है इस वे के साथ इज मेनली बीकेज ऑफ ऐसे as well as आप मेंशन के साथ बना सकते हो अपने राइटिंग में जैसे ये एक sentence देख लो The aforementioned is mainly because of traffic congestion. कि जो भी ऊपर लिखा हुआ है पैराग्राफ में वो क्यों है क्योंकि जो ट्रैफिक कंजेशन है उसकी वजह से है क्लियर ओके सेवेंथ वर्ड इज रीकेट वट डू यू मीन बाई दिस वर्ड कंक्लूजन ठीक है जब भी हमने लिखना हो इन कंक्लूजन टू कंक्लूड तो हम उसे क्या लिख सकते हैं टू रिकुलेट क्लियर ओके आर एट्थ वर्ड इज प्रिसाइज तो नाउ वट इज द मीनिंग ऑफ प्रिसाइज जो चीज बिल्कुल एक्यूरेट हो एक्जैक्ट हो उसे हम लिखते हैं प्रिसाइज सो यू कैन यूज दिस वर्ड एज अ कनेक्टर ये वर्ड आप कैसे यूज करोगे एज अ कनेक्टर यूज करोगे टू बी मोर प्रिसाइज लाइक जब हमने कोई चीज को अपनी एक्सप्लेन करना है ठीक है अगर हमने लिख दिया अगर ट्रैफिक कंजेशन उसकी प्रॉब्लम है ठीक है टू बी मोर प्रिसाइज ठीक है उसको पोपोल्यूशन को हमने पूरा एक्सप्लेन कर देना है अब आगे टू प्रिसाइज लिख के नेक्स्ट वर्ड इज लेसन और अबेट वॉट डू यू मीन बाई लिसन और अबेट जब हमने लिखना हो रिड्यूज हो रहा है कुछ ठीक है उसे हम लिख सकते लिसन और अबेट ओके सो लेट्स मेक अ वन सेंटेंस ऑन दिस वर्ड स्टेप्स आर नेसेसरी इन दिस रिगार्ड टू अबेट द इफेक्ट्स ऑफ द इशू ठीक है स्टेप्स नेसेसरी हैं अगर हमने क्या करना है अबेट करना है उनके इफेक्ट्स को लाइक like, उनके जो भी प्रॉब्लम आ रही है उनके इफेक्ट्स को रोकने के के लिए लिए कम करने के लिए, वो सारे स्टेप्स नेसेसरी हैं ठीक है वर्ड हमने पे यूज किया सो यू कैन मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज कंसिक्वेंसिस क्या मीनिंग है इस वर्ड का रेमिफिकेशन का कंसिक्वेंसिस लाइक रिजल्ट ओके सो आप कैसे एक सेंटेंस बना सकते हो दो टेक्नोलॉजी हैज मेड आर लाइफ कंफर्टेबल चाहे टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ जो ईजी बना दी हुई है रेमिफिकेशन विल ऑल्सो बी बॉर्न बाय ह्यूमन्स जो रेमिफिकेशन है जो कंसिक्वेंस है फिर भी ह्यूमन्स को सहन करने पड़ने हैं पढ़ते हैं लाइक ठीक है ओके सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट today's वीडियो यू कैन यूज़ दिस टेन वर्ड इन योर टास्क टू ठीक है ये इनमें से बहुत ज़्यादा ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके हर एक राइटिंग टास्क टू में लाइक like एग्जाम्पल के लिए एपीटॉम वर्ड रिड्यूस के लिए अबेड सोल्यूशन के लिए हमने बहुत सारे मतलब प्रिसाइज यूज़ कर सकते हो आप एग्जैक्ट की चीज़ के लिए ठीक है जब आपने कोई चीज़ को एक्सप्लेन अच्छे से करना है सो so, गाइज ये वर्ड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द राइटिंग टास्क टू or if you know any other important word you can tell me in the comment section so guys if you like this video like hit the like button share this video with your friends so guys thanks for watching this video and if you face any problem in, a, in any module you can tell me in the comment section